दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो बेसिक फंडामेंटल ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ कारणवश लेक्चर 8 को डिलीट करना पड़ा। उसे मैं आज फिर से लोड कर रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक देखें। लेक्चर 8 मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है शब्दों में। जैसे कोई पार्टिकल अपने पाथ के लॉन्ग जा रहा है, तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, तो इसके लिए मुझे मैक्सिमा मिनिमा की ज़रूरत है। पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, इसके लिए भी मैक्सिमा मिनिमा की ज़रूरत है। पार्टिकल का सारा चीज़ पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा की ज़रूरत है। वह टाइम निकालना है जिस टाइम में पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करे, वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा का यूज है। यानी मैक्सिमा मिनिमा के बगैर फिजिक्स अधूरा है। मैक्सिमा मिनिमा इज द साल्ट ऑफ द फिजिक्स। जैसे भोजन में नमक का जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत है फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा का है। तो मैं आज आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें प्लॉट वाई इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन द इंटरवल 0 to 2π एंड फाइंड द फाइंड द साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ओवर डिफरेंट सब इंटरवल फ्रॉम 0 to 2π। यहाँ एक्स है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू 3π बाई टू और एक्स इक्वल टू 2π। साइन 0 0 पाई बाई टू 1, साइन पाई 0 3π बाई टू 1 2π 0।
थ्री पाई बाई टू, और ये हो जाएगा आपका साइन 0 0 पाई बाई टू प्लस वन पाई 0 थ्री पाई बाई टू और 2 पाई बाई 0। देखो बंधु, इसे हम लोग फ्री हैंडेड मिलाएंगे, स्केल का सहारा नहीं लेंगे। अगर स्केल का सहारा लेंगे तो वह एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जबकि इस ग्राफ का नाम है साइनोसॉइडल ग्राफ, साइन का ग्राफ है, तो इसे फ्री हैंडेड खींचेंगे। फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज प्लस वन एंड 8 corresponds to एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखो बंधु, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन है और ये पाई बाई टू पर है, इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकता साइन एक्स का। We also observe that the minimum वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -1 एंड एट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट्स टू एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई। देखो बंधु, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू 3 पाई बाई 2 पर है, -1 है, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू पर है और +1 है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और वो पाई बाई टू पर मैक्सिमम है तो 3 पाई बाई 2 पर मिनिमम है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द
वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखो बंधु, साइन एक्स का मान जीरो से पाई बाई टू तक बढ़ते जा रहा है। एंड डिक्रीजेज फ्रॉम एक्स इक्वल टू पाई बाई टू टू एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू एंड देन इंक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज फ्रॉम एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू टू एक्स इक्वल टू टू पाई। तो देखो बंधु, साइन एक्स का वैल्यू जीरो से लेके पाई बाई टू तक बढ़ता है, फिर पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू तक लगातार घटता है, और थ्री पाई बाई टू से लेके टू पाई तक वैल्यू बढ़ते जाता है। अब मैं आपको साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बता रहा हूं ओवर डिफरेंट सब इंटरवल। सब इंटरवल साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को ही टेन थीटा कहा जाता है, यानी आप इसे टेन थीटा भी कह सकते हैं। मैं पहला सब इंटरवल लेता हूं x लेस देन पाई बाई टू और ग्रेटर देन जीरो। दूसरा सब इंटरवल है x इक्वल टू पाई बाई टू। तीसरा सब इंटरवल है x लेस देन थ्री पाई बाई टू ग्रेटर देन पाई बाई टू। चौथा सब इंटरवल है एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू और पांचवा सब इंटरवल है एक्स लेस देन टू पाई और ग्रेटर देन थ्री पाई बाई। अब जरा आप इसे समझने का प्रयास करें, ये जीरो और पाई बाई टू, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर यहाँ पर हम टेंजेंट खींचें तो यह टेंजेंट जो होता है 90 डिग्री से छोटा है, यानी ये एंगल 90 से छोटा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका साइन जो होगा डेरिवेटिव का dy/dx का वो पॉजिटिव होगा।
अब देखिए x इक्वल टू पाई बाई टू, अगर यहाँ पर पाई बाई टू पर अगर हम टेंजेंट खींचे बंधु तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यह एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई टेंजेंट 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर ये इस तरह से घटते जाएगा तो 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो 0 डिग्री का एंगल होगा। तो यह टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वह टेन थीटा 0 हो जाएगा, 0 होगा थीटा तो टेन 0। आप जानते हैं कि 0 होता है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। अब एक्स लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन π/2, आप इस इंटरवल में कहीं भी अगर टेंजेंट खींचते हो तो आप गौर से देखिए ये जो है 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे निगेटिव। अब जनाब बंधु ठीक उसी प्रकार हम 3π/2 पर टेंजेंट खींचे तो ये टेंजेंट यहाँ जो हम लोग खींचेंगे तो यह पुनः एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका पुनः जो स्लोप होगा थीटा जो होगा 0 होगा और टेन 0 0 होता है तो यह पुनः 0 हो जाएगा। अब बंधु 3π/2 और 2π के बीच अगर हम कोई टेंजेंट खींच के दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए यह टेंजेंट पुनः जो है 90 डिग्री से छोटा होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे। बंधु आपको मैंने अभी अभी बताया कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है पाई बाई टू पर और मिनिमम वैल्यू -1 होता है 3π/2 पर। अब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा जो है देख लीजिए π/2 पर मैक्सिमा है, मिनिमा देख लीजिए 3π/2 पर है, तो एट मैक्सिमा और एट मिनिमा dy/dx = 0। जैसे बंधु अमीर भी मरेगा गरीब भी मरेगा, मृत्यु तय है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो देखिए अमीर भी मरेगा गरीब भी मरेगा, मृत्यु तय है, तो dy/dx 0 होता है मैक्सिमा पर और मिनिमा पर। तो अब आप देखें तो वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट एट मैक्सिमा और एट मिनिमा dy/dx = 0। दिस मैक्सिमा और मिनिमा इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमा। तो दिस मैक्सिमा, दिस मैक्सिमा और मिनिमा इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमा। तो बंधु मैक्सिमा और मिनिमा का कॉमन नाम है एक्सट्रीमा। तो 10 10
एक्सट्रीमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्सट्रीमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होगा मैक्सिमा एंड दूसरा होगा मिनिमा। तो बंधु पहला हम लिख रहे हैं कि एट मैक्सिमा, एट मैक्सिमा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। एंड द चेंज इन द चेंज इन साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज निगेटिव, एंड द चेंज ऑफ साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज निगेटिव। देखो बंधु देखो बंधु मैक्सिमा पर डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो है ही, साथ ही साथ मैक्सिमा से पहले ये जो है इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स जो है, आप गौर से देखें, इससे पहले जो है इनका स्लोप पॉजिटिव है, और जस्ट मैक्सिमा के बाद देखिए तो ये स्लोप जो हो गया है निगेटिव हो गया है। तो मैक्सिमा पर जीरो है, मैक्सिमा के पहले स्लोप पॉजिटिव है और मैक्सिमा के बाद स्लोप निगेटिव है, यानी चेंज इन स्लोप जो हुआ वो निगेटिव हुआ। तो मैं आपको बता दूं यही इसी चीज को, द चेंज इन साइन ऑफ डी वाई वाई डी एक्स इज निगेटिव। तो देखो बंधु इस चेंज को लिखा जाता है डेल्टा, डेल्टा डी वाई वाई डी एक्स ये निगेटिव है। डेल्टा को हम लोग लिखते हैं, चेंज को लिखते हैं डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई वाई डी एक्स जो है ये निगेटिव है, यानी इसी को कहते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव होता है। अब देखो बंधु सिमिलरली फॉर मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो एंड द चेंज इन द चेंज इन साइन ऑफ
डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। चेंज इन साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं डेल्टा, माने होता है चेंज डी वाई बाई डी एक्स। पॉजिटिव को हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन जीरो। इसी डेल्टा को लिखा जाता है डी डी एक्स और इसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसी को लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो बंधु, अमीर भी मरेगा गरीब भी मरेगा, लेकिन मिनिमा में जो होता है चेंज इन साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, गरीब आदमी को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। जरा इस पॉइंट को आप क्लियर से समझ लें, देख लें। देखो बंधु, ये मिनिमा है तो गरीब आदमी को मृत्यु के पहले घोर कष्ट है, दवा का भी पैसा नहीं है, लेकिन ठीक मिनिमा के बाद, मृत्यु के बाद गरीब आदमी का जो स्लोप है वह स्लोप पॉजिटिव हो गया है। इसे आप गौर से देख लें तो अमीर भी मरेगा गरीब भी मरेगा, लेकिन अमीर आदमी को मृत्यु के बाद स्लोप निगेटिव हो जाता है, यानी इसी को हम कहते हैं नरक। गरीब आदमी जो मिनिमा है, मृत्यु के बाद उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, उसी को हम कहते हैं स्वर्ग। तो अमीर भी मरेगा गरीब भी मरेगा, लेकिन चेंज इन साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी अमीर आदमी को मृत्यु के बाद नरक मिलेगा, जबकि गरीब आदमी को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो बंधु, अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ एक मित्र को तब आप शेयर कर ही सकते हैं। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।